एंड 3, 2, 1 टाइम हो गया स्टार्ट एंड गो। नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है तो मेरे चैनल पर। तो मेरा नाम है जॉर्ज, जैसे कि आप देख सकते हैं हम फिर से GTA 5 की ऑनलाइन की दुनिया में हैं। तो ये फिलहाल तो मैं अपने अपार्टमेंट में हूँ, जॉन साहब पेंट हाउस ना अपार्टमेंट 3 पता नहीं स्वीट 9 है पता नहीं क्या है यार। तो एनीवेज गाइस, चलिए आज के बारे में बात करते हैं। तो गाइस आज हम बाय करेंगे बुगाटी शेरॉन, तो वो है एक्चुअली बेनिस की गाड़ी। तो गाइस आप बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई मैं रिसेंटली चेक कर रहा था भाई बुगाटी लो लैम्बोर्गिनी लो, भाई लैम्बोर्गिनी बाय कर ली, तो चलिए अब बुगाटी शेरॉन ही बाय कर लेते। तो गाइस एक्चुअली मैंने पमीने और मीत ने इंडिपेंडेंस डे पर हमने बुगाटी शेरॉन बाय करी थी, पर हमने कोई मतलब मॉडिफिकेशंस वगैरह इतने नहीं दिखाए थे कि भाई बाइंग प्रोसेस वगैरह नहीं दिखाई थी हमने, तो हमने स्ट्रेट आपको भाई मॉडिफाइड गाड़ी दिखाई थी। तो गाइस चलिए एक काम करते कि पहले तो लोकेट कर लेते कहाँ है भाई बेनीज़ेरा एंड वेर इज बुगाटी हेरी। भाई देख सकते हो यार बेनिस का अपग्रेड है, तो गाइस जरूर खतरनाक गाड़ी होने वाली है। तो इसका कलर हम करेंगे एक्चुअली लेट्स गो विद येलो टुडे। तो एक काम करते हैं कि येलो कलर कर लेते हैं एंड वी गो टू ऑफिस गैरेज वन में मंगा लेते हैं यार, एंड लेट्स गो टू माई ऑफिस गैरेज वन यार। तो गाइज वैसे जो मैंने गाड़ी चलाई है यार बहुत ही खतरनाक गाड़ी है, पर इसके थोड़े कंट्रोल्स वगैरह जो है ना, मतलब रियल बुगाटी मतलब जौन सी नॉर्मल वाली बुगाटी है ना उसकी तरह नहीं है यार। मतलब ऑब्वियसली ये स्पोर्टी कार है तो यार थोड़े बहुत कंट्रोल्स वगैरह इसके थोड़े डिफरेंट होंगे, पर देखते हैं यार। फिलहाल पूरी टेस्टिंग वगैरह ज़रूर करेंगे हम, और आप भी भाई स्टे ट्यून्ड, पूरी वीडियो देखना मत भूलिएगा। तो गाइस चलिए चलते हैं एंड आवर वे टू द ऑफिस नाउ, ऑफिस गैरेज वन। ऑफिस में तो हम बस पहुंचने ही वाले हैं। ये हमारे पास जो है ये फरारी की रेप्लिका जो है गाड़ी, अबे ठोकता क्यों है यार, तो ये है और हम बस पहुंच चुके हैं अपने गैरेज के पास। तो लेट्स गो टू ऑफिस गैरेज वन एंड चेक दैट कार आउट। एक्चुअली अभी तक तो डिलीवर नहीं हुई गाइस। तो गाइस मैं पहले एक बात आपको कह दूं, तो गाइस मैं एक गिव अवे कर रहा हूं। तो गाइस आज सैटरडे, तो ये है लास्ट डे ऑफ द गिव अवे। तो गाइस अगर आपको एंटर करना है तो ज़रूर वीडियो को चेकआउट करना मत भूलिएगा मेरे चैनल पर जाकर। तो जस्ट गो टू माई चैनल एंड देयर विल बी अ गिव अवे वीडियो, तो गाइस ज़रूर चेकआउट करना मत भूलिएगा। तो टुडे इज़ द लास्ट डे एक्चुअली टू एंटर, और संडे को जो है मैं विनर्स जो है अनाउंस करूँगा। तो गाइस चलिए हम तो फिलहाल वेट कर रहे हैं अपनी गाड़ी के लिए यार, गाड़ी अभी तक आई नहीं। वैसे तो ऊपर गैरेज हमारा खाली है, नीचे भी गैरेज नहीं, नीचे कोई गाड़ियाँ हैं यार। आई हैव गॉट एस्टन मार्टिन वगैरह, ये ऑफिस गैरेज 2 में थी यार, ये तो 1A में कैसे आ गई ये मुझे समझ नहीं आ रहा यार। पता नहीं कभी 1 हो जाता है कभी 2 हो जाता है यार, पता नहीं क्या है यार। तो एनीवेज आई थिंक दिस इज़ ऑफिस गैरेज 2, आई डोंट नो यार, ये लिखा तो 1B1A है पर वो गाड़ी है मुझे पता नहीं यार कैसे आ गई। तो एनीवेज गाइस चलिए ये तो ये रही हमारी लैम्बोर्गिनी गलाडो और टैम्पा मार्को प्रेसा 2 करीन फुटो एंड दिस फरारी। तो अभी हमारी गाड़ी भी आ चुकी है और ये रही भाई येलो कलर की बुगाटी शेरॉन। तो चलिए गाइस इसे चलते हैं बेनिस के पास लेकर चलते हैं इसे और मॉडिफाई करते हैं यार। इसके एग्जॉस्ट इतने खतरनाक है ना यार, पीछे से देख सकते हो यार, लुक एट दोज एग्जॉस्ट्स मैन, ओ माय गॉड। अबे यार आते ही ठुकी, चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मॉडिफाई करने जा रहे हैं हम। ओ माय गॉड यार ये स्पॉइलर इसका देखो भाई, जैसी स्पीड पकड़ी स्पॉइलर ऊपर, ब्रेक मारी तो स्पॉइलर नीचे भाई। तो चलिए तो फिलहाल तो स्पीड ही है यार, वैसे गाड़ी वैसे अच्छी है यार, इसके कंट्रोल वैसे इतने बेकार नहीं है जितना कि मैं कह रहा था, पर थोड़ा बहुत यार थोड़ी स्लिपरी हो जाती है यार तो गाड़ी। तो चलिए गाइस फिलहाल तो चलते हैं हम बेनिस के पास। तो एक्चुअली आई लव लैम्बोर्गिनी जोन जिसका नाम है टेम्पेस्टा नाम है उसका GTA में, तो उसके कंट्रोल यार बहुत ही खतरनाक है यार, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो गाइस चलिए हम आ चुके हैं बेनिस के अंदर और लेट्स अपग्रेड द कार। तो अपग्रेड का कॉस्ट, ओ माय गॉड 600,000, 6 लाख। तो गाड़ी की कॉस्ट मतलब समझ लो कि भाई 2 मिलियन हो चुकी है एक्चुअली, और अपग्रेड्स वगैरह तो और भी लगेंगे। तो गाइस आप कैलकुलेट करते जाइएगा 35,000 एंड ब्रेक्स भी रेस ब्रेक्स, बम्पर फ्रंट बम्पर, तो फ्रंट बम्पर देखते हैं भाई कौन से हैं। भाई ये
अच्छा जी, सेकेंडरी कलर इंटेक, सेकेंडरी कलर लगा देते हैं यार, सेकेंडरी कलर के तो रियर बम्पर्स भी सेकेंडरी कलर के ही लगाएंगे ऑब्वियसली। बम्पर एक्सेसरीज, खनाड्स, खनाड्स हैं तो वो भी सेकेंडरी कलर के ही लगा देते हैं भाई, जो चीज़ अवेलेबल है सब कुछ लगा दो यार। बम्पर एक्सेसरीज, दिस ओनली खनाड्स अवेलेबल, चैसीज, डोर्स, ओके। ये क्या है, कार्बन डिटेल, सेकेंडरी कलर डिटेल करेंगे ऑब्वियसली यार, दो कलर होंगे इसमें। नो वेंट्स, वेंट्स वेंट्स लगे रहे हैं यार, वेंट्स लगे रहे हैं, वेंट्स अच्छे लग रहे हैं वैसे। इंजन, इंजन ब्लॉक, ओ ये क्या है भाई, सेकेंडरी कलर का ही कर देते हैं यार, कार्बन कुछ नहीं करना यार हमने। इंजन ट्यून ऑब्वियसली द टॉप वन यार, इंक्रीज इज द हॉर्स पावर। इसके एग्जॉस्ट यार, ओ माई गॉड, प्राइमरी हेक्स एग्जॉस्ट जो है, मतलब सेकेंड वाले ये कार्बन है, सेम थिंग है, बस कलर का जो है साइड में जो उनका कलर है वो डिफरेंट है, तो एक्सप्लोजिव नहीं लगाते। ग्रिल, ओ ग्रिल, ग्रिल सेकेंडरी कलर, ग्रिल ठीक रहेगी यार। एंड हुड एक्सेसरीज, ओ हुड, हुड एक्सेसरीज कुछ भी लगा दो यार, थोड़ी सी चीज़ें नहीं यार, हुड मुझे ये कार्बन वाली फुल हुड नहीं चाहिए, आई लाइक इट दिस वे। हॉर्न और कुछ भी लगा दो यार, हॉर्न का तो कोई मैटर ही नहीं करता यार। डैश, ओ सूट, रेस इंटीरियर ऑब्वियसली यार, रेसिंग कार है, स्पोर्टी कार है तो रेस इंटीरियर ही होगा, तो लगा दिया हमने भाई रेस इंटीरियर तो लगा ही दिया। अरे यार नॉर्मल इंटीरियर करूँ या रेस इंटीरियर, यार रेस इंटीरियर ठीक है यार, रेस इंटीरियर वैसे कोई कंट्रोल तो इसने यूज़ करने नहीं वैसे, ना ही हमने कुछ अंदर से देखना है। तो सीट्स, सीट्स कौन सी यार, सीट्स एक काम करते यही लगा देते, आई डोंट नो व्हाई इट्स रेड, अगर आई होप कि ब्लू येलो होता तो कर लेता मैं ज़रूर। स्टेयरिंग व्हील, स्टेयरिंग व्हील सबसे महंगा वाला कौन सा यार, सबसे महंगा वाला ही लगा देते हैं यार, दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टेयरिंग व्हील, रियली प्रोफेशनल तो वो ही लगा देते हैं। फ्रॉस्ट वाइट कर लेते हैं यार, आई डोंट रियली केयर अबाउट दीज इंटीरियर, जोन सी डैश लाइट्स है या रोल केज तो नहीं लगाने यार, इतना अच्छा नहीं लगता यार रोल केज वगैरह। एक काम करते हैं रोल केज भी लगा देते हैं कलर के लिए ऑब्वियसली, ओनली कलर, तो इसका जो है मैं करूँगा रेड, रेड बिकॉज आई एम गोइंग विद रेड एंड येलो, रेड एंड येलो करूँगा यार, इस गाड़ी का कलर सब रेड एंड येलो होगा, तो आई डोंट नो कि आई विल चेंज द टायर्स, पर देखता हूँ कलर अगर अवेलेबल हुआ तो ज़रूर टायर को जो मैं चेंज करूँगा टायर का कलर। लिवरी, फाइनली यार लिवरी द मेन पार्ट, कौन सी लिवरी लगाई जाए वैसे इसको, ओ रेड ब्लू एंड येलो भी अच्छा लग रहा है यार एक्चुअली, ओ माई गॉड, पर इसकी लिवरी के ऊपर यार जंक वगैरह ये लिखी हुई है यार, तो ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगता वैसे। स्ट्राइप्स होते ना सिंपल स्ट्राइप्स तो बहुत ही अच्छे लगते हैं वैसे, तो ओ लाइक दिस एंड दिस इज एक्चुअली नाइस एज वेल, ब्लू लिवरी यार, अबे यार कौन सी लिवरी करूँ, एक काम करते हैं कि एंड में देखते हैं भाई कौन सी लिवरी लगाएंगे एंड में। दिस लुक्स ऑल राइट यार, देखते हैं एंड में देखेंगे भाई, कलर वगैरह पहले कर लें हम, हमारी अपनी जे नाम की परेड लगेगी ऑब्वियसली बात है यार, प्राइमरी कलर तो भाई येलो हुआ पड़ा है वैसे पहले से ही, तो क्रू कलर कर लेती हैं और वो है रेड, जैसे कि आप देख सकते हो यार पीछे सब कुछ रेड हो चुका है, सेकेंडरी कलर खतरनाक गाड़ी लग रही है यार, अगर इसके ऊपर फ्लेम्स वाली लिवरी होती ना, ओ यार बहुत ही खतरनाक लगनी थी यार। लेट्स डू द ट्रिम कलर भी रेडी कर लेते हैं, और रूफ, ओ रूफ, रूफ भी है इसमें नहीं यार, ये कुछ नहीं लगाना हमने, नो नो, अबे सेल नहीं, स्पॉइलर, ओ स्पॉइलर 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 मेन पार्ट यार, स्पॉइलर इस मेन पार्ट, स्टॉक स्पॉइलर नहीं, प्रो रेसर जीटी स्पॉइलर आई गेस दैट इज फाइन, पर ये थोड़ा बहुत बड़ा है वैसे तो, बट इट लुक्स नाइस, हालांकि मुझे बड़े स्पॉइलर इतने अच्छे नहीं लगते, आई रियली लाइक दिस वन इज वेल, बट चलिए बड़े के साथ चलते हैं। एंड टर्बो, टर्बो अवेलेबल नहीं है, वीओ व्हील कलर, व्हील कलर यार, अबे भाई व्हील कलर क्यों नहीं है यार अवेलेबल, आई वांट टू कीप दीज व्हील्स, आई रियली वांट टू, स्टॉक व्हील्स, अरे यार बेनीस कुछ ना कुछ कर दे भाई, आई रियली वांट टू कीप दीज व्हील्स मैन, ये व्हील्स जो उनसे हैं डिफॉल्ट हैं, तो एक्चुअली टायर में मतलब येलो लाइन पड़ी है, तो आई थिंक दे आर कस्टम व्हील्स एनी वे, व्हील टाइप टायर्स, टायर डिज़ाइन, टायर एनहांसमेंट, ओ टायर एनहांसमेंट भी है, तो वो तो लगा दी, रेड स्मोक भी लगा दी हमने, विंडोज, लिमो ऑब्वियसली, तो चलते हैं लिवरी की ओर, लिवरी लिवरी एट द एंड ऑब्वियसली सेलेक्ट करते हैं यार लिवरी हम हमेशा, बेसिक सी, दिस इज़ बेसिक एज वेल,
अरे यार, ओ नहीं, ये तो बिल्कुल सेम ही है यार, बिल्कुल सेम ही है यार। मैं ऐसे ही एक्साइटेड हो रहा था। एक काम करते हैं कि ये देखते हैं यार। नहीं, एक्चुअली एक्चुअली लेट्स गो विद द बेसिक वन। ये जो बेसिक सी है लिवरी, ये वाली नहीं, ये वाली ले लेते हैं यार। थोड़े स्पॉन्सर के नाम भी आ जाएं और सामने बुगाटी का जो टी का ये है ये भी शो हो जाए। तो क्रोएक्स लिवरी, वी हैव गॉट इट एंड दैट इज इट गाइस। खतरनाक गाड़ी है यार, आई लव दिस कार यार। बट इसके कंट्रोल अगर थोड़े से, मतलब स्लिपरी वगैरह नहीं होती ना इतनी गाड़ी, तो बहुत ही खतरनाक गाड़ी थी वैसे तो। और चलिए अब चलते हैं इसका ड्राइवर के एयरपोर्ट पर। आई बिलीव कि ये T20 के बराबर की स्पीड भी की होगी यार। ऑब्वियसली बैनीज का अपग्रेड है, तो ऑब्वियसली यार T20 के बराबर की स्पीड की होगी यार, ज़रूर होगी। तो एनीवेज चलते हैं, एक मिनट, ये रास्ता नहीं है, तो इधर से चलते हैं सिटी के एयरपोर्ट पे। तो गाइस टाइमिंग ज़रूर नोट कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा यार, ज़रूर। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि गाइस आपको कौन सी नई गाड़ी चाहिए नेक्स्ट टाइम। तो एंड हैशटैग बुगाटी शिरोन, अगर आपको ये गाड़ी अच्छी लगी तो गाइस देख सकते हो यार, चिंगारियाँ चार एग्जॉस्ट से निकल रही हैं यार। ये चिंगारियाँ बहुत ही खतरनाक एग्जॉस्ट है यार ये वाला तो। तो एनी वेज लेट्स गो टू द सिटी एयरपोर्ट एंड देखते हैं कि भाई कैसे भागती है ये गाड़ी भागती कैसे। अबे ठोकेगा क्या यार भाई, अभी अभी नई गाड़ी ली है यार, अभी ठोकेगा क्या। ओके लेट्स गो। ये है भी रॉन्ग साइड है यार, रॉन्ग साइड में क्यों जाता हूँ यार मैं, हमेशा हमेशा रॉन्ग साइड में जाता हूँ यार मैं, और फिर गाड़ी भी डैमेज होती है। अच्छा भाई, ये तो खुलेगा नहीं वैसे। अच्छा भाई दरवाज़ा खोल दो भाई। अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे भाई। अरे यार कुछ ना कुछ, दरवाज़ा क्यों नहीं खोलते यार ये, इनका ये काम ख़राब है कि भाई आधा टाइम तो ये दरवाज़ा बंद करके बैठे होते हैं भाई। अच्छा तो हमें अपना डॉजी वे अपनाना होगा एंड वी आर इन। अबे गाड़ी गाड़ी ठुक गई, अबे ये तो बाहर ही आ गए यार। अरे ये तो बाहर ही आ गए यार। अबे गाड़ी तो बहुत ही ज़्यादा ठुक रही है यार। लेट्स लेट्स गो अगेन, लेट्स गो अगेन यार। अबे अबे क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है यार। मैं पता है इतनी स्पीड नहीं पकड़ना चाहता था। वेल दिस डजेंट अफेक्ट द स्पीड एक्चुअली, डैमेज डजेंट अफेक्ट द स्पीड बिकॉज इतना ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ। एंड ओ हम फाइनली अंदर आ चुके हैं यार, फाइनली। नहीं यार, अबे क्या हो रहा है यार। कितने अटैम्प्ट कर दिए यार मैंने। अबे गाड़ी गाड़ी का बिल्कुल कचुम्बर बना के ये अंदर जाएगी पता है। एक काम करता हूँ फटाफट से इसको रिपेयर करा के आ जाता हूँ। रिपेयर इज जस्ट दैट वे, हाफ अ माइल गाइस, तो सॉरी गाइस यार। रिपेयर करा के फटाफट अंदर चले जाएंगे भाई एयरपोर्ट के अंदर, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। तो चलते हैं, ये हमारा नाइट क्लब यार, नाइट क्लब हमारा, हमें अभी भी याद है नाइट क्लब में मैं जाता हूँ वैसे, पर आई डोंट नो व्हाट टू डू देयर। आई वॉज एक्चुअली डूइंग सम बिजनेस इन नाइट क्लब, मतलब जो उनसे वो टेक्नीशियंस जो हैं वो असाइन कर दिए थे मैंने सारे बिजनेस पे। तो देखते हैं कि भाई वो गुड्स वगैरह जो इकट्ठे कर रहे हैं तो वो होपफुली हम सेल करेंगे सून। तो चलिए फटाफट से रिपेयर कर भाई, मैकेनिक रिपेयर कर गाड़ी यार, रिपेयर कर भाई। यस दैट इज़ रिपेयर्ड एंड हमारी गाड़ी बिल्कुल सेट हो चुकी है, पर फिर भी यार थोड़ा सा डैमेज तो आएगा ही ज़रूर। लेट्स गो अगेन टू द एयरपोर्ट एंड विल सी वॉट हैपन्स देर यार। वैसे गाड़ी तो बहुत ही तेज़ भाग रही है एंड कंट्रोल्स भी ठीक ठीक ही हैं यार वैसे तो। आई लाइक द कार यार, आई रियली लाइक द कार। तो गाइज अगर आप चाहते हो कि मैं ज़्यादा ये गाड़ी चलाऊँ तो यार ज़रूर मुझे बताइएगा। भाई ठोक मत दियो यार, अबे यार ठुक मत जाइए यार प्लीज़। अच्छा सुबह होने वाली है, आई बिलीव 5 बज चुके हैं सुबह के। तो यार एयरपोर्ट का वैसे ये डोर तो ओपन होना चाहिए था, बट ओ तेरी बच चुके यार विदाउट डैमेज आ यार। ओ माई गॉड विदाउट डैमेज यार अंदर आए, इतना डैमेज तो नहीं होगा। और गाइज चलिए चलते हैं और देखते हैं भाई कितनी फास्ट गाड़ी है एक्चुअली। तो गाइज स्टिकी बॉम्ब जो है फटाफट से फेंक देते हैं। और कहाँ गया यार स्टिकी बॉम्ब, स्टिकी बॉम्ब कहाँ गया। यस देयर इज द स्टिकी बॉम्ब एंड 3, 2, 1 टाइम हो गया स्टार्ट एंड गो। तो टाइम हो गया भाई स्टार्ट, टाइम नोट कीजिएगा गाइस। तो ये देखो गाड़ी भाग रही है यार बुगाटी, वैसे बहुत ही तेज़ गाड़ी भाग रही है यार, बहुत ही वैसे तेज़ है। एक्सलरेशन में थोड़ी सी मतलब स्लो थी, पर है गाड़ी बहुत तेज़ भाग रही है यार। अबे ब्रेक क्यों मार दी मैंने, अच्छा टर्न था इसलिए ब्रेक मार दी मैंने।
ओके गाड़ी स्टिल स्टिल गोइंग। अबे वो प्राइवेट जेट किसका है भाई, प्राइवेट जेट में क्यों घूम रहा है भाई, वो मेरा जेट छोड़ दे वहीं पर। तो गाड़ी तो वैसे बहुत तेज़ भाग रही है और हम बस पहुंचने ही वाले, लैप हमारा कंप्लीट होने वाला है। तो गाइस आई थिंक कि ये फास्ट बहुत ही, और इसके कंट्रोल भी एक्चुअली बेटर हैं यार बेनीज के, तो आई थिंक अपग्रेड ने कमाल कर दिया यार कंट्रोल्स का। तो गाइस कमेंट सेक्शन में मुझे टाइम बताइएगा। तो गाइस आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।